अस्सलाम वालेकुम मेरी ट्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वेकेशन, मिनी वेकेशन से हम वापस भी आ चुके हैं और अपनी क्या कहते हैं एवरीडे जो लाइफ की रूटीन है उस पे वापस आ चुकी हूँ। मेरे स्कूल से अभी मुझे छुट्टियाँ चल रही हैं, हमारी मिड टर्म ब्रेक है या जिसको हम हाफ टर्म ब्रेक भी कहते हैं। तो जो यहाँ के यूएई में जो ब्रिटिश करिकुलम स्कूल्स होते हैं उनमें ये 1 वीक की या 4 डेज़ की या 5 डेज़ की इस तरह से होती है, और इस बार लकीली इट्स ओ द होल वीक। तो जिसमें से हाफ वीक तो गुजर चुका है और अब एग्ज़ाम्स हैं यूनिवर्सिटी के। तो आई थॉट कि ये मेरे लिए एक बेस्ट चांस है थोड़ा थोड़ा यानी गो थ्रू होने का जितने भी मेरे कोर्स कंटेंट्स हैं। काफ़ी टफ चल रहा है, दोबारा से स्टूडेंट बनना, नोट्स बनाना, लिखना, हाथ बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि वी बीइंग टीचर्स नाउ वी आर नॉट राइटिंग दैट मच, वी आर जस्ट टाइपिंग टाइपिंग एंड टाइपिंग। एंड बट आई डोंट नो, आई एम नॉट इन टू टाइपिंग फॉर लर्निंग, आई वॉन्ट टू राइट। मैं वही ओल्ड स्कूल थाट है मेरा अभी भी कि मुझे लिख के याद करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, ईजी पॉइंट्स अपने रखने हैं जिनमें जो मुझे समझ आते हैं। तो बहरहाल मैं आपको अपने साथ साथ रखूँगी। तो एक्चुअली मैं अब आपको ये जो 2-3 दिन है मैं दिखाऊँगी अपनी स्टडी रूटीन एज लॉन्ग एज यानी मेरी स्टडी रूटीन चल रही है इस वीक में, वो भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और साथ में दिखाऊँगी कि मैं साथ में स्टडी के साथ बिजी होने के बावजूद मैं हाउ एम बैलेंसिंग वर्क, क्योंकि ऑब्वियसली हस्बैंड की तो रूटीन, हस्बैंड की तो छुट्टियाँ नहीं है, उनकी तो रूटीन वही है। और इस तरह से सुबह, आज सुबह उठ के मैं एक्चुअली बहुत कामों में हो गई थी। कल थोड़ा सा मैंने किचन को का थोड़ा सा क्या कहते हैं मेक ओवर किया, चीज़ें इधर की उधर की। कल मेरी हाउस होल्ड सपोर्ट भी आई तो उनकी उनके साथ साथ मिलकर हमने टाइलों को थोड़ा क्लीन किया। तो यानी मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये छुट्टियाँ प्रोडक्टिव रहें इन टर्म्स ऑफ स्टडी एंड इन टर्म्स ऑफ घर का। मेरा स्टोर रूम बहुत ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है, समझ लें कि मेरा अपना उसको देखने को दिल नहीं कर रहा। तो मे बी आई विल गो टू होम बॉक्स आईकिया, आई मीन सम प्लेस टू गेट अ स्टैंड, प्रॉपर स्टैंड फॉर दैट प्लेस। देर आर सम थिंग्स इन माई माइंड, देर सम आइडियाज़ इन माई माइंड जो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। कपड़े भी धो के डाले हुए हैं, वो भी आज ज़रा क्लीन अप हो जाएंगे क्योंकि स्टोर में जगह ही नहीं है इनको स्टैंड को रखने की। तो आई मीन होल हाउस इज़ गेटिंग वेरी मेसी। माई हस्बैंड इज सेइंग व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन, किसने बेडरूम में जाना है, जिसने आना है लिविंग रूम में ही आता है। लेकिन फिर भी खुद को भी तो होता है ना कि अपने घर को हमने नीट एंड क्लीन रखना है। मैं आज मटन बनाऊंगी इंशाल्लाह, फूड प्रिपरेशन में रात को मैंने मैरिनेशन कर दी थी और कल हमने दाल चावल खाए थे, लेकिन मैंने एज सच उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैं इंशाल्लाह आज आपको अपने साथ रखूँगी। कल इनफैक्ट हस्बैंड के साथ भी कुछ शॉपिंग थी, कुछ चीज़ें चेंज करानी थी, कुछ साइजेस नहीं आए। वो एक्चुअली जब मैं करती हूँ उनकी शॉपिंग तो वो साथ कई दफ़ा जाते नहीं हैं, तो मैं उनके लिए, और वो बहुत बिजी चल रहे थे जब से वो अब्रॉड से आए थे, तो मैं अब वो कुछ साइजेस फिट नहीं हो रहे थे या कुछ उनको खुले थे या क्या था, तो बिकॉज़ ही हैज़ ऑल्सो लॉस्ट वेट। तो फिर वो चीज़ें चेंज करानी थी, कुछ कुछ आज जाना है क्योंकि मैंने थोड़ी विंटर शॉपिंग की थी उनकी, कुछ उनकी मज़ीद करनी है आज की, मैंने भी करनी है। एज सच यूएई में विंटर्स इतने ज़्यादा शदीद नहीं होते हैं, लेकिन बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गो टू पाकिस्तान होपफुली इन दिसंबर, इट्स नॉट श्योर, तो वी हैव टू यू नो हैव सम विंटर कलेक्शन विद अस। एंड ऑब्वियसली विंटर्स आए हैं तो थोड़ा सा विंटर की क्लोथिंग थोड़ी सी तो करनी है ना, और क्योंकि हम पुराने साइजेस में, मैं और मेरे हस्बैंड, हम फिट नहीं हो रहे, वी हैव रिड्यूस्ड वेट अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए मैं आज आपको अपने साथ साथ रखूँगी और बस मेरे नोट्स बन रहे हैं। मे बी आई गिव अ कॉल टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज़ ऑल्सो डूइंग दिस प्रोग्राम विद मी, सो मे बी वील हैव जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन टुडे और मे बी टुमोरो। हम थोड़ा जूम पे हम भी एक दूसरे को पढ़ाएंगे और थोड़ा इकट्ठे समझेंगे। आज वो भी नोट्स प्रिपरेशन कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अपना मिनी वेकेशन का भी व्लॉग शेयर करूँगी। थोड़ा सा बस बिजी चल रही हूँ तो अपलोड का टाइम नहीं थोड़ा सा निकाल पा रही। एक्चुअली मैं थोड़ा निकाल बैठूँ तो निकाल भी पाऊँ क्योंकि जिम भी साथ में चलती है, आज जिम भी जाना है, तो बाकी चीज़ें भी हैं, किचन के काम भी हैं। तो बस इंशाल्लाह आपको अपने साथ साथ रखती हूँ टू शो हाउ आई यू नो आई आई मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन स्टडी वर्क एंड हाउस हस्बैंड, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी। चलिए जी साथ साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी ट्यू फैमिली। चलिए जी मैं आपको बताती हूँ मैं किधर हूँ, आप पढ़ सकते हैं और आप देख भी सकते हैं ये लोगो, हम लेडीज़ के लिए बहुत ही फेमिलियर है द पावर ऑफ पिंक। ये अक्टूबर का महीना है और आप सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं और इस डे को मनाया जाता है।
तो इन अबू धाबी बाई द हेल्प ऑफ द बुर्जिल होल्डिंग्स इट्स अ ग्रुप दैट रन्स मेनी हॉस्पिटल्स इन अबू धाबी एंड एज वेल एज इन दुबई एंड दी अदर एमिरेट्स ऑफ यूएई. तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है या इस टॉपिक पे बात करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है. इवन के जो मेल्स हैं जेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में इन पाकिस्तान इंडिया और विच व्हाटएवर कंट्री इवन इन यूएई, तो उनको भी अपनी घर की लेडीज़ चाहे वो माँ हैं बहन है बेटी है और जो भी है, तो उनको इन जगहों पर लेके आना चाहिए है. और हर गवर्नमेंट फॉर श्योर पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा होगा कि ये मेमोग्राम स्क्रीनिंग इवेंट्स होते रहते हैं और ये बिल्कुल फ्री है. अगर आप किसी एक सर्टन स्पेसिफिक एज के हैं तो भी हो रही हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाली 30+ 40+ हैं तो ये आपको करना चाहिए है या आप मैरिड हैं तो ये आपको आना चाहिए. इवन के अनमैरिड की लेडीज़ लड़कियों में भी ये चीज़ आजकल हो रही है अनफॉर्चुनेटली. तो अर्ली डिटेक्शन एज इट इज़ रिटन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन. तो ये इस वक्त ये कुछ डेज़ हैं जो लोग जो लेडीज़ या मेरी बहनें जो रहती हैं यूएई के अंदर और जो अबू धाबी में अगर रह रही हैं, तो क्योंकि मैं अबू धाबी का ज़्यादा बता पाऊँगी तो वो गूगल करें तो उनको एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स या लिस्ट ऑफ प्लेसेस या मॉल्स पता चल जाएंगी जहाँ पे इस अक्टूबर के महीने में फ्री स्क्रीनिंग्स हो रही हैं. तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ इट. इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स एंड और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है. दे विल टेक योर आईडी कार्ड एंड यू नो एक रजिस्ट्रेशन होगी. अब वो अगेन डिपेंड करता है कि आप किस उसमें जा रहे हैं. कुछ 40 प्लस के लिए है, कुछ 30 प्लस के लिए हैं और कुछ इनसे लो के लिए हैं. तो ये आपको वो जो लिस्ट है जो आप गूगल करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगी. ये इस वक्त जी हो रहा है आई केम टू मुशरफ मॉल इन अबू धाबी. सो दिस इज़ अ फ्री कैंपेन गोइंग ऑन बाय बुर्जिल होल्डिंग्स और ऑन द स्पॉट ये टेस्ट वेस्ट सब कुछ कर लेते हैं. वेरी नाइस प्रोसीजर. इसी कंटेनर के अंदर सारी फैसिलिटी है और जो डॉक्टर की रिपोर्ट है विद इन 3 डेज़ मेरे इनबॉक्स में आ जाएगी, मेरे ईमेल अकाउंट में आ जाएगी. और होपफुली अल्लाह से दुआ है कि सही हो. लेकिन इस बात में बिल्कुल कोई शर्म नहीं करनी चाहिए. ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हमें स्प्रेड करना है. चाहे हम आदमी हैं, चाहे हम औरत हैं, चाहे हम कोई भी हैं, तो हमें इस मैसेज को यानी सर्कुलेट करना है और स्प्रेड करना है. हम लोग मुशरफ मॉल के अंदर हैं और मैं आपको फ़र्स्ट टाइम इस मॉल में लेके आई हूँ. ये मॉल में मैं तो पहले आ चुकी नहीं हूँ, लेकिन हम इतना हैबिचुअली मैं और हस्बैंड नहीं आते हैं. आई मीन इट्स अ वेरी रेयर केस आई हैव कम हियर विद हस्बैंड, क्योंकि थोड़ा दूर है और जब कोई काम होता है हम तो ही आते हैं. जैसे अगर कोई मूवी देखनी है या कोई स्पेसिफिकली कोई चीज़ मिली इधर से रही है तो हम आते हैं. जैसे आज वो मैं स्क्रीनिंग के लिए आई थी तो वो स्क्रीनिंग का जो कैंप था वो इधर था, सो दैट इज़ वाई आई केम हियर. So here's the look of Mushrif Mall. This is actually a very nice brand. इनके जो कपड़े हैं मैंने कुछ 4-5 साल पहले भी जो लेके रखे थे वो अभी तक मेरे यूज़ में आ रहे हैं. स्पेशली स्पोर्ट्स वेयर भी अभी तक कहीं से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है या मटेरियल ख़राब हो रहा है या कलर चेंज हो रहा है. नो आई इवन बच्चों के कपड़े मैंने कभी लिए नहीं हैं. 1 and 2 instances में अपने नेफ्यू नीज के लिए हैं बट दे टर्न आउट टू बी वेरी गुड. बट इट्स रियली एन अमेजिंग ब्रांड. मतलब मुशरफ मॉल में भी है और आई थिंक खालिदिया मॉल इज़ द नियरेस्ट वन जहाँ नॉर्मली मैं जाती हूँ. जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि विंटर क्लोथिंग चाहिए मुझे है, मुझे एक आइडिया हो चुका है कि यहाँ पे बहुत अच्छे स्वेटर्स और ये सब चीज़ें आई हुई हैं. मुझे जाना है विंटर्स में पाकिस्तान और फिर ऑब्वियसली उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह हो गई. आज मे बी मैं इतना कुछ नहीं लूँगी, लेकिन यह है कि एक तरह का मुझे विंडो शॉपिंग का आइडिया हो जाएगा कि आई मीन व्हाट कैन आई बाय, व्हाट सॉर्ट ऑफ जैकेट्स आई कैन यू नो यूज़ अ हेड एंड ऑल. तो आज विंडो शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा.
ये जी हमारा इवेंट, ये है हमारी जिम, इनकी नई ब्रांच है। मेरा आज सेकंड टाइम आना हुआ है। फर्स्ट टाइम में मुझे और मेरी एक फ्रेंड को इन लोगों ने कहा था कि हम आके क्या कहते हैं होस्टिंग करें और सब लोगों को वेलकम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो थैंकफुल टू लाइफलाइन दैट दे ऑलवेज गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी और हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिलता है। मुझे और मेरी फ्रेंड, हम लोग माशाल्लाह बहुत टाइम से हैं इस जिम में। नाउ दिस इज़ द स्टूडियो, इट्स नॉट दैट बिग लाइक द स्टूडियो इन विच वी गो नॉर्मली। हम इनकी दूसरी ब्रांच में जाते हैं और कल भी एक इवेंट है जिसके लिए हमें बुलाया गया है और जो सबसे ज़्यादा रेगुलर इनके क्लाइंट्स हैं या जो बहुत ज़्यादा जिनमें चेंजेस आई हैं या जो बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं तो उनको कल के इवेंट में भी बुलाया। कल हम अपने साथ किसी गेस्ट को, फैमिली मेम्बर को, लाइक हस्बैंड, बेटी, बेटा, किसी को भी, मदर, फादर, किसी को भी लेके आ सकते हैं, बहन भाई को। तो देखते हैं, मेरी शायद मैं फ्रेंड को इनवाइट करूँगी आज। ये है जी अभी आज का जो इवेंट है वो बेसिकली इट्स क्या कहते हैं, इट्स बेस्ड ऑन बॉडी ब्लास्ट एंड कार्डियो किक बॉक्सिंग एंड जुम्बा। जुम्बा के एक हमारे वही अपने रॉक स्टार टीचर हैं और एक नई टीचर आएंगी, आई थिंक शी इज़ इन अरब और क्या कहते हैं, लेट्स सी द कॉम्बिनेशन ऑफ फिलीपींस एंड अरबिक जुम्बा, लेट्स सी। और ये स्टेज है, इधर का स्टेज थोड़ा छोटा है मगर जो सलाम ब्रांच है हमारी वो बहुत उसका स्टेज काफ़ी बड़ा है और जो एडनिक जो कल मैं जहाँ आपको लेके जाऊँगी वो इवन बिगर है। तो ये जी इसको कहते हैं, मेरी बुक के स्टेप्स हैं, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। तो इनको नॉर्मली हम हाइट इनकी सेट करते हैं एज़ पर द टीचर या एज़ पर अपनी नीज़ के या अपनी कंफर्ट जोन के, और इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। कई दफ़ा हम इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करते हैं फॉर नी एक्सरसाइज, फॉर लेग एक्सरसाइज, या मैं दिखाऊंगी आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस। ये टीचर का सारा इक्विपमेंट है उधर स्टेज के ऊपर, तो बस ऑल सेट टू गो। अभी आई थिंक ये दो लोग, दो जन यहाँ पीछे मेल्स खड़े थे और आई थिंक आई एम द ओनली फीमेल हु इज़ हियर। मैं आपको दूसरा वाला रूम भी इनका दिखाती हूँ, इनका मेल और फीमेल सेक्शन डिफरेंट है मगर स्टूडियो में भी उसी तरह एज पर क्लास होती होगी मेल के और फीमेल के। आज एक्चुअली मिक्स है बिकॉज इट्स एन इवेंट। Nice. You're all getting ready. Hi sir, how are you? I'm good, thank you. Hi bhaiya, how are you? और कोई नहीं आया अभी तक जी? हाँ हाँ, अब आप इधर ही आते? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी उधर कोई भी नहीं है जी। हाँ अभी मैं फीमेल तो पूरी खाली मैं हूँ, दो जन थे उधर, अभी वो मुझे को देख के इधर उधर हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। ये जी फीमेल साइड है, फीमेल ट्रेडमिल, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल का सब सेपरेट है। और स्टूडियो जो है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्टूडियो इज़ लाइक कम्बाइंड, जिसमें कभी लेडीज़ की क्लासेस होंगी और कभी जेंट्स की होंगी। तो ऑब्वियसली एज़ पर रूल के लेडीज़ भी होती हैं तो उनके लिए लेडी सपोर्ट होती है इधर, और लेकिन मेल टीचर भी ले सकते हैं क्लास एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। और कहीं पे भी कोई भी फीमेल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, तो वहाँ पे फीमेल इंस्ट्रक्टर या फीमेल सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी टीचर हैं, इट्स नाइस, सारा इक्विपमेंट नया भी है, सो इट्स रियली नाइस। मेरी YouTube फैमिली, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट पहले मिल सके।